हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम सी वर्मा चैप्टर 4 द फोर्सेस का प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, टू चार्ज पार्टिकल्स प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर एग्जर्ट 20 न्यूटन ऑफ कूलम फोर्स इन ऑन ईच अदर। व्हाट विल बी द फोर्स इफ सेपरेशन इज इंक्रीज टू 25 सेंटीमीटर। तो देखिए, कूलम फोर्स क्या होता है, जब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के पास आते हैं, अगर उनके बीच डिस्टेंस r होता है तो कूलम फोर्स, अगर दोनों चार्ज q1 q2 होते हैं तो उसका फोर्स देखिए हो जाता है 1/4 πε0 q1 q2/r2। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम फोर्स हम बोलते हैं इसको, कूलम फोर्स ही लिख लेते हैं। कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस Q1 एंड Q2, हैविंग चार्जेस Q1 एंड Q2 is F equal to 1/4 πε0 Q1 Q2/r2। ठीक है, R जो है दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो अब देखिए क्या दिया हुआ है, F1 दिया हुआ है आपका 20 न्यूटन, चार्ज की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है, और सेपरेशन इनिशियल जो दिया हुआ है, अगर हम इसे R1 बोलते हैं तो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और 0.2 मीटर। ठीक है, तो जब सेपरेशन इंक्रीज होगा 25 सेंटीमीटर तो उस टाइम कितना फोर्स एक्ट करेगा वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो R2 हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर और 0.25 मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें हम बोल सकते हैं F1/F2, क्योंकि R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² का। ठीक है, तो as F is proportional to 1/r², therefore F1/F2 equal to R² / R1². ठीक है, यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा आपका F1 दिया हुआ है 20 न्यूटन बाय F2 हमें फाइंड करनी है, और R² आपका हो गया 0.25² / R1 0.2². ठीक है, यहाँ से हमारा F2 मिल जाएगा और F2 हो जाएगा आपका 0.2 × 0.2 / 0.25 × 0.25 × 20 न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा F2 इक्वल टू 64/5 न्यूटन, इसकी वैल्यू होगी 12.8 न्यूटन विच इज सिमिलर टू 13 न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हम बोल सकते हैं फोर्स व्हेन सेपरेशन इज 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 13 न्यूटन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।